चित्रकूट पहुंची प्रियंका गांधी, मंदिर में की पूजा अर्चना, महिलाओं से करेंगी संवाद। उन्नीस नवंबर को झांसी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में होंगे शामिल। दिल्ली में 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध, सरकारी विभाग में 100% वर्क फ्रॉम होम। लखीमपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज को किया नियुक्त। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताई नाराजगी, 21 नवंबर को फिर होगी सुनवाई। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। बदायूं के अलापुर नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर खुलेआम योजना की किश्त आने पर सभी लाभार्थियों के लिए जाते हैं, लेकिन 10,000 से 25,000 तक के रुपए वसूले जाते हैं। इस दौरान वार्ड नंबर 6 की लाभार्थी सुमन ने बताया कि उनसे 15,000 रुपए मांगने आए थे। वहीं वार्ड सभासद ओमकार और लाभार्थी महिला ने बताया कि इससे पहले भी सभासद 10,000 रुपए ले चुके हैं। अरे 1.5 लाख रुपए आए थे हमारे जी, तो नेमर साहब आए 2-3 बार, कल भी आए थे जी। पैसे दो। अच्छा, तो हमने मकान में हमारे एस्टीमेट कम पड़ेगा, 50,000 रुपए लगाने पड़ेगा पास से भी, हमें तो बोले पैसे पहुंचा दो हमारे पास। किस किस चीज़ की आई है अपनी? ये आवास विकास की है, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो किस्त आपकी आ रही है उसमें मेंबर आपसे कितने रुपए मांग रहे हैं? 15,000 अभी लिए थे, मांग रहे हैं, अभी दिए नहीं हमने। इससे पहले आपने कितने रुपए दिए हैं? 10,000 पहले लिए थे। कितनी किस्त आई थी पहली आपकी? 50,000, उसमें से आपने 10,000 रुपए दे दिए। अच्छा, फिर आप क्यों मांग रहे हैं 15,000 रुपए? बोले हमें चाहिए, ऊपर लोगों को देना है, उनके लिए अधिकारी लोगों के लिए। अच्छा जी, चित्रकूट में शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए फतेहपुर से महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ महिलाओं का हुजूम रवाना हुआ। इस दौरान महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान विधानसभा चुनाव की प्रबल दावेदार अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ महिलाओं से संवाद करेंगी। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। चित्रकूट में नारी संवाद है प्रियंका दीदी जी के साथ में। आज हम फतेहपुर से महिला कांग्रेस हेमलता पटेल 3 बसों में पूरी महिलाओं को भर करके यहां से प्रियंका जी के संवाद में जा रहे हैं, और यहां से हम बिल्कुल रवाना हो रहे हैं, बिल्कुल फुल तैयारी से। आज प्रियंका जी से मुलाकात होगी महिलाओं की, उनसे संवाद होगा, सारी महिलाएं खुशी के साथ में आज चित्रकूट के लिए रवाना हो रही हैं। वहीं पे संवाद में उनके साथ में सब लोग खुशी के पल बिताएंगी और कामतानाथ जी के दर्शन करेंगी, इसी बात को लेकर के महिलाएं आज चित्रकूट के लिए रवाना। हाथरस के एक गांव की 73 वर्षीय वृद्ध महिला 32 साल से अलग अलग न्यायालय की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये बुजुर्ग महिला किसी और के साथ नहीं, अपनी नंद के अधिकारों को धोखा देकर फैलाए गए जाल का शिकार बन गई है। इस बुजुर्ग महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए अपने पति को खो देने की बात कही है। पीड़ित बुजुर्ग महिला की माने तो वो काफी ज्यादा परेशान है और न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता ने बताया कि 1986 में फर्जी वसीयत के आधार पर उनकी नंद ने उनके हिस्से की जमीन को हड़प लिया, और जमीन के मामले में दफ्तरों के चक्कर काटते-काटते उनके पति परेशान हो गए थे। इसी सदमे में साल 2004 में उनकी मौत हो गई। तब से पीड़िता मामले में न्याय पाने के लिए दर बदर भटक रही है। क्या नाम है माता जी आपका? कितना समय हो गया है केस लड़ रहे हैं आप? काफी लंबा है, 30 साल से केस लड़ रहे हैं। हाँ। कहाँ कहाँ केस लड़ लिए आप? यहाँ हाथरस, सासनी, अलीगढ़, इलाहाबाद, नखलऊ, मोड़सा केस लगे और रतिक नगर। अच्छा, एक केस है किस चीज़ को लेके? क्या मामला क्या था? जमीन का क्या हुआ था ऐसा? वसीयत कर ली नंदा ने, मेरे पति मरी हुई जिंदगी पर सेशन मरने के बाद ब्याह दोनों का जब वसीयत कर दिया जाने, तो आपके पति का नाम हटा के अपना नाम जोड़ दिया उसमें। हाँ, तो अभी
क्या कहते हैं कोर्ट से, जो कितने सारे मामले आपने लड़े हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके पक्ष में आता है या विपक्ष में चला जाता है या कोई जवाब नहीं आता है? दोनों ही पक्ष में जाता है। आपको सपोर्ट नहीं मिला? बाकी लड़ियों को अपन फतेहपुर जनपद के जाफरगंज थाना क्षेत्र के मांझेपुरवा में आतिशबाजी की दुकान में घात लगाकर अज्ञात चोरों ने लगभग 50,000 का पटाखा और कई अन्य सामान चोरी कर ले गए। सुबह चोरी की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। दुकान मालिक ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मिर्जापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पीतल बर्तन इंडस्ट्री के करीब 200 कारखानों को बंद कर दिया गया। कारखानों को बंद कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान एक फैक्ट्री को सीज किया गया। अन्य लोगों को इकाई आबादी के बाहर ले जाने के लिए नोटिस दिया गया है। आबादी के बीच चल रही फैक्ट्रियां प्रदूषण का केंद्र बनी हुई है। बता दें कि कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण को देखते हुए आबादी से दूर ले जाने की कवायद जिलाधिकारी ने शुरू की। सरकारी फरमान पर पहुंचे प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने और नगर मजिस्ट्रेट ने विभिन्न इलाकों में चल रहे कल कारखानों का निरीक्षण किया और इस दौरान एक फैक्ट्री को सीज कर दिया। इसमें यहाँ पे पीतल इंडस्ट्रीज है और जो प्रदूषण के मानक है वो उनका पालन नहीं कर रहे थे और इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, तो इसमें हमने सिटी मजिस्ट्रेट और जो पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी हैं उनको बुला करके और उस पर कार्रवाई कराई है। उसमें एक फैक्ट्री को सील किया गया है, बाकी कुछ को चेतावनी दी गई है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो नियम है उनका पालन किया। आगरा के थाना पिनाहट के गांव क्योरी बीच का पुर में संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल किनारे पेड़ पर लटका शव मिला है, जो कि 19 वर्षीय युवक का है, जबकि युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवती का शव मिलने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि गांव के कुछ लोगों ने युवती की हत्या करके उसके शव को पेड़ से लटका दिया, क्योंकि इससे पहले भी मृतक और उसके भाई पर एक युवक हमला कर चुका है। मेरा भाई समूदयाल शाम को मेरे पिताजी के पेट में दर्द हो रहा था, घर से बाहर पशुओं का वाड़ा है, वहाँ पेट के दर्द की दवा देने गया था। फिर दवा देने के बाद घर आया नहीं, तो हमने जांच पड़ताल भी करी यहाँ उधर उधर, पर वो कुल मिला के नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि वहीं सो गया होगा, हमने सोचा यहाँ। फिर सुबह जो नदी किनारे जो कुआ है एक रामबरन का, उसने कहा था कि तुम्हारा भाई क्या पेड़ से लटका है। हम लोग गए थे तो उसके सर में चोट, कच्ची पीठ में चोटों के निशान, जो हम लोगों से कुछ लड़ाई झगड़े रंजिश है गांव की, उन लोगों ने दो चार दिन से घेराघारी कर रहे थे, उसी के उन्हीं लोगों ने मार के और पेड़ पर। पूर्व महिला प्रधानाचार्य विभा चतुर्वेदी से शुभ्ध राजकीय इंटर कॉलेज के सभी बच्चों ने आज जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बच्चों ने कार्यालय के बाहर शिक्षिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए DIOS ऑफिस में घुसकर हंगामा किया। छात्र छात्राओं के मुताबिक पूर्व में प्रधानाचार्य रही विभा चतुर्वेदी का स्थानांतरण बसौनी में हो गया है। इसके बावजूद विभा चतुर्वेदी अपने विद्यालय ना जाकर यहां रोज आती हैं और पठन पाठन कार्य बाधित करती हैं। आए दिन स्कूल में बच्चों से अभद्र व्यवहार भी करती हैं। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सुरान में स्कूटी से पढ़ाने जा रही एक शिक्षिका की ट्रैक्टर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। उस दौरान स्कूटी पर उनकी मासूम बच्ची भी सवार थी, जबकि महिला और बच्ची को टक्कर लगने के बाद वहां मौजूद दर्जनों लोगों की भीड़ जमा हो गई और इस घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को भी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शर्मा वाइफ ऑफ अमित तिवारी हैं, जो प्राथमिक विद्यालय सुड़ान में सहायक अध्यापक हैं। वो अपने पति और बच्ची के साथ अपने विद्यालय जा रही थी सुड़ान रोड, पीताम्बरा गेस्ट हाउस जो पीछे तहसील के पीछे वाली रोड है उस पर, वहाँ पर पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ट्राली ने लापरवाही पूर्वक उनको टक्कर मार दी, जिससे जो अंजू शर्मा हैं उनकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, ट्रैक्टर कब्जे में लिया गया है, चालक फरार है और उसको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया।
फरीदाबाद से वल्लभगढ़ की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये गायों से भरा वही कटर है जिसे लेकर बदमाश गायों की तस्करी कर रहे थे, जिसकी सूचना गौ रक्षक दल के प्रमुख अशोक बाबा को मिली। सूचना मिलने के बाद अशोक बाबा अपनी टीम के साथ तस्करों के पीछे लग गए और इस तस्करों को आता देख उन्होंने रोकने का इशारा भी किया, लेकिन गौ तस्कर नहीं रुके, जिसके बाद अशोक बाबा की टीम ने गौ तस्करों का पीछा करना शुरू कर दिया और इस दौरान गौ तस्करों ने अशोक बाबा की टीम पर 7 से 8 राउंड फायर किए। गनीमत रही गोली किसी को लगी नहीं, लेकिन गौ रक्षक दल की टीम को देखकर गौ तस्करों ने फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में गायों से भरे अपने कैंटर को छोड़ दिया और मौके से भागने में कामयाब रहे। अभी सूचना दी थी अपने गोरक्षक दल ने, जो बाबा है उन्होंने अशोक बाबा ने, तो उसके ऊपर हम आए हैं। यहाँ इस गड्ढे में 3 गायें हैं, एक आगे वो फेंकी बता रहे हैं, तो गाड़ी और ये गायें रिकवर कर ली, इनको गौशाला छुड़वा रहे हैं, बाकी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। सर लगातार सर्दी बढ़ रही है, ऐसी वारदात चालू होती है, रोकने के पूरे प्रयास किए जाएंगे, आगे से नाकाबंदी बढ़ाई जाएगी, इन सब चेक किया जाएगा। सर कुछ फायरिंग वगैरह हुई है क्या? कुछ कौशाम्बी में विजया चौराहा में धान केंद्र के अंदर जो धान की तौल हो रही है उसके लिए गेट बंद करके कच्चा धान लिया जा रहा है। जो किसानों का धान नहीं लेकर बिचौलियों का धान खरीद रहे हैं, जिससे काफी मात्रा में किसान परेशान है। किसानों से बात करके उनको बहकाया जा रहा है और उनको वहां से 1 महीने और 2 महीने का समय देकर भगा दिया जाता है। तो किसानों को बहकाने की ये तस्वीर सामने आई है कौशाम्बी से, जहां बिचौलियों द्वारा धान खरीदा जा रहा है और बहला फुसला के धान खरीदा जा रहा है बिचौलियों द्वारा मनमाने रेट पर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।